फाइनल फ्रंटियर यानी कि भारत के खिलाफ में जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि भारत के खिलाफ में टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज करे, अभी भी वो कर सकती है। और इसी को लेकर एक बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। हालांकि 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त बना ली है, भारतीय टीम पूरी तरीके से शिकंजा कस चुकी है। रोहित शर्मा ऐसा लगता है कि इस टेस्ट मैच में, आने वाले टेस्ट मैचेस में भी अपनी टीम को और बेहतर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक फोर्स परिवर्तन किया गया और जो स्वैप्सन उनके स्पिन गेंदबाज थे वो वापस अब ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं। लेकिन जिस गेंदबाज को टीम में अब शामिल किया गया, बाएं हाथ के गेंदबाज मैथ्यू कोहनीमन उनका नाम है और क्वींसलैंड से ये गेंदबाजी करते हैं, क्वींसलैंड से ये क्रिकेट खेलते हैं, बाएं हाथ के ये स्पिन गेंदबाज है, बड़े खतरनाक माने जाते हैं और इनको टीम में शामिल किया गया। कहा जा रहा है कि एक ऐसे गेंदबाज है जो कि आने वाले 3 टेस्ट मैचेस में यकीनन डेब्यू करते हुए नजर आएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो मैथ्यू कोहनीमन के बारे में मैं आपको बता दूं कि 12 इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचेस खेले हैं जिसमें इन्होंने कुल मिलाकर 32 विकेट लिए। अच्छे गेंदबाज है, बाएं हाथ के गेंदबाज है, मैंने विजुअल्स भी देखे, फ्लाइट देते हैं, गेंदों को ड्रिफ्ट करवाते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है इनको लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है क्योंकि स्वैप्सन जो है वो अपने घर वापस चले गए हैं क्योंकि उनके एक पहले बच्चे का बर्थ होना था। इसकी वजह से अब यहां पर मैथ्यू कोहनीमन को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शामिल किया है और ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट को लग रहा है कि बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज जो है वो एस्टन एगर से भी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। और कहा जा रहा है कि एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि अपने फ्लाइट में बल्लेबाजों को बीट करने के लिए जाने जाते हैं और इंडियन कंडीशंस में वो वाकई में कारगर हो सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम इनको डेब्यू भी करा सकती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अब मैथ्यू कोहनीमन को खेलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर मौका मिलता है तो भारतीय टीम को कितनी ज्यादा परेशान कर पाएंगे, भारतीय टीम के बल्लेबाजों को कितनी ज्यादा परेशानी जो है इनके खिलाफ खेलते हुए होगी। लेकिन इस समय भारतीय टीम डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वाले टेस्ट मैच में 17 से लेकर जो 21 तक चलेगा उसमें भारतीय टीम के गेंदबाज भी इसी तरीके से परफॉर्मेंस करते रहे और ऑस्ट्रेलियाई टीम की धज्जियां उड़ाते रहे, हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 4-0 से जीत जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन आप लगातार कॉमेंट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।